पर सब? इंडोर्स। निखिल यहाँ देखो, इंडोर्स। ठीक है, इंडोर्स मतलब क्या होता है? बिल किसी को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे ड्रॉअर है ना, वो बिल किसी को क्या कर देगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडोर्स। पे ही वही हुआ जिसको हम इंडोर्स करेंगे, वही ना पे ही होगा। एट द टाइम जिसको पैसा मिलता है ड्रॉअर के अलावा, जिसके पास बिल रहता है ना, उसको क्या बोला जाता है? पे ही। अगर अपने पास बिल ड्रॉअर रखा तो पे ही और ड्रॉअर एक ही चीज़, एक ही हो गया। अगर किस बैंक को दे दिया तो पे ही कौन हो गया? बैंक। उसी तरह अगर किसी को इंडोर्स कर दिया, ठीक है ना, इंडोर्स मतलब समझो, इसका हिंदी जानते कितना हार्ड है? बेचैन करना, जिसको तुम्हें बेचैन करना नहीं पढ़ लेना। ठीक है ना, क्या होता है इंडोर्स करना, मतलब किसी को बिल ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे ये भी तो किसी को दे सकता है बिल, तो देखो इसको इंडोर्स मतलब यही चीज़ होता है। देखो तो सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री देखो। और एक चीज़ और बताओ, हम तुम लोगों को क्या बताए थे कि ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है, बिल किसके पास है, क्या करो, उसको एक्सेप्ट करना है और ड्यू डेट पे क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, तो देखो ड्रॉअर का बुक में सिर्फ एंट्री होगा, किसका बुक में होगा? ड्रॉई में कुछ नहीं। देखो आ जाओ, ड्रॉई में ना, ड्रॉई में कुछ नहीं होगा। ड्रॉअर में देखो क्या लिखेंगे, इंडोर्सी। ठीक है, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, इंडोर्सी अकाउंट टू बी आर। अब यहाँ नाम रहेगा, इंडोर्सी मतलब जिसको देंगे, मान लो सी को दे रहे या जेड को दे रहे, तुम लोग एक्स वाई करके बताए थे ना, तो एक्स वाई पहले से मान लो जेड को दे रहे, तो यहाँ लिखेंगे जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर, बींग बिल, बिल्स नहीं होगा, बिल इंडोर्स टू कुछ भी, जिसको भी हम लोग इंडोर्स करेंगे ना। अब सुन लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बिल तो अब मेरे पास रहा नहीं, ड्रॉअर के पास तो नहीं रहा, बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, जिसको क्या बोलते हैं, कोई मतलब, मान लो ए बिल दे दिया किसको, बी को, बी एक्सेप्ट किया था, ए ड्रॉअर था और बी क्या था, ड्रॉवी। अब ए क्या किया, बिल किसको दे दिया, सी को, तो सी हो गया हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंडोर्सी। ठीक है ना, जैसे ड्यू मान लो ए का भी किसी के पास ड्यू होगा ना, तो पैसा नहीं देके ना क्या दे देगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद देखो इसमें क्या होगा, नो जर्नल, इसको कोई मतलब नहीं है बिल क्या हो रहा है क्या। और जब पेमेंट होगा ना, जब भी पेमेंट होगा तो देखो पेमेंट का एंट्री ये क्या करेगा, पेमेंट का एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट, नहीं याद की है, करवाए थे ना दिन याद, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें नो जर्नल एंट्री क्यों, बिल हम क्या बोले, तो हम एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना कि जिसके पास ड्यू डेट पर बिल्स रहेगा ना, उसी को पेमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखो अभी बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास ना, तो इंडोर्सी को पेमेंट रिसीव करेगा। ठीक है, उसका बुक में करेंगे। तो इंडोर्स मतलब हुआ किसी को बिल ट्रांसफ़र करना थर्ड पार्टी को। ठीक है, इंडोर्स करना हिंदी होता है बेचान करना, देखना जिसके पास बुक होगा ना, देखो बेचान करना, बेचैन करना नहीं, बेचान। हिंदी कितना हार्ड है क्या, लिख लो इसको। इसके बाद बताते हैं बिल बैंक फॉर, पहले इसका एक एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद ए सॉल्ड गुड्स टू टू बी ना, किसको बेचा, डेट नहीं देते हैं। ठीक है, बिना डेट का बनाते हैं, पहले जाना एंट्री करवाते हैं। ए सॉल्ड किया गुड्स किसको, बी को, रुपीज कितना 10,000 फॉर दिस, इसीलिए ए राइट्स ए बिल। ठीक है, ए राइट्स ए बिल ऑन बी फॉर द सेम अमाउंट, फॉर द, ठीक है, फॉर द सेल अमाउंट, सेम अमाउंट फॉर थ्री मंथ भी लिख देते, फॉर थ्री। अब ए क्या किया, ए इंडोर्स, इंडोर्स मतलब बिल दे दिया टू, इंडोर्स द बिल टू सी
फोर इज डी, उसका अपना बाकी था तो इसलिए बिल किसको दे दिया, सी को, ठीक है। अब बिल्स मेट ऑन ड्यू डेट, ठीक है, तीनों का बुक में एंट्री करना है। तो तुम लोग फॉर्मेट अलग अलग बनाना, मेरे जैसा मतलब करेगा आलसी जैसा तो नहीं होगा। हम उसे यहाँ देखो ए बी सी तीनों एक साथ बना दे रहे हैं, ए हो गया ड्रॉवर, बी हो गया कौन, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं करना है, ड्रॉवी, और सी हो गया। वैसे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमें लिख दी है ना, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सुनो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक लाइन पढ़ो और एंट्री करो। ए सोल्ड गया गुड्स किसको, तो बी हो गया रिसीवर, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, याद है ना एंट्री, एंट्री याद है तो सब चीज़ ईजी लगेगा ये चैप्टर, नहीं तो फिर बी आर एस जैसा ये भी है। ए खरीद रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीद रहा है, ए एक चीज़ और बताए ना, ए का बुक में ए कहीं नहीं होगा, बी का बुक में बी कहीं नहीं होगा, सी का बुक में कहीं सी नहीं होगा, ठीक है। अब ये बिल लिखा उसके ऊपर, बताओ साक्षी बिल लिखने का, बी आर अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, बिल लिखने का ही ना बताए थे, नरेशन जो लिखाए थे वही, बीइंग एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड फ्रॉम बी, आई एक्सेप्ट करने का बता श्वेता, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद बताएगा इस बार कौन, अब बिल किसको ट्रांसफर कर दिया, सी को, कौन, अब किसके किसके बीच ये हो रहा है, हम लोग का ट्रांजेक्शन ए और सी के बीच हो रहा है ना, बी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो तो अभी तुम लोग एंट्री लिखा थे इंडोर सी अकाउंट डेबिट, तो लिखेंगे सी अकाउंट टू, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना, किसको भी वैसे भी अगर गोल्डन रूल भी फॉलो करेगा तो हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, हम लोग किसको, मान लो हम लोग ए का बुक में है ना, तो हम लोग किसको दे रहे बिल, सी कौन है, जैसे रिसीवर कौन हो गया, सी हम लोग के पास से क्या जा रहा है बिल, अब इसके पास आ रहा होगा तो ये लिखेगा बिल आ रहा है ना, तो बी आर अकाउंट देने वाला कौन है, ऊपर वाला ए ना, बीइंग एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए, हो गया यहाँ तक क्लियर। आप सुनो अब बिल क्या हो गया, देखो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं अभी, देखो यहीं से पढ़ पढ़ के बता, ये सामान बेचा भी कोई एंट्री कर दिए, फिर बिल लिखने का भी एंट्री हो गया, अब सी इंडोर्स किया उसका एंट्री हुआ, अब देखो बिल मेट ऑन ड्यू डेट, बिल तो इसके पास है नहीं, ठीक है, बिल इसके पास है ना, तो देखो ये तो एनी हाउ पेमेंट करेगा ही, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीपी अकाउंट डेबिट टू, इसका सिंपल है, इसको कोई मतलब नहीं, इसको बिल सामान खरीदना है, बिल को एक्सेप्ट करना है और टाइम पर क्या कर देना है, और इसका क्या, इसको ये तो इंडोर्सी है ना, बिल अपने पास रखा, ये भी अगर अपने पास नहीं रखता ना, ठीक है, ये भी अगर अपने पास नहीं रखता तो ये भी बिल किसी और को भी दे सकता, बैंक से डिस्काउंट करा सकता, ये भी इंडोर्स कर सकता है। तो देखो अभी बिल इसके पास ना है तो लिखेंगे बिल पेमेंट एंट्री, पता है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक जिसको रिसीव होगा उसके लिए हम ये एंट्री लिखवाए थे, जिसके पास बिल है पैसा आ रहा है, बिल हम लोग का जा रहा है, ठीक है, लिख।